एवरीवन, आई एम अंजलि गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरके कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रयागराज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी क्या पैथोजेनेसिस है, क्या साइन सिम्टम्स हैं एंड लास्ट क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया, एनीमिया वर्ड जो लिया गया है वो ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड अनाइमिया, ग्रीक वर्ड के अनाइमिया से लिया गया है, जिसका मतलब है लैक ऑफ ब्लड। ठीक, इसी को हम बोलते हैं एनीमिया। मेडिकल टर्म में इसकी डिफिनेशन देखी जाए तो एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द आरबीसी काउंट इज लेस देन नॉर्मल। एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें आरबीसी काउंट नॉर्मल रेंज से कम हो बॉडी में। ठीक है, अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, अगर हम मेल की बात करें तो आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है 4.7 से 6.1 मिलियन पर सेल्स माइक्रोलीटर। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके जो आरबीसी काउंट है वो 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं। ये है नॉर्मल रेंज। अगर इनकी नॉर्मल रेंज से आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, दैट कॉल्स एनीमिया। ओके, टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है आपका। ज्यादातर एनीमिक पेशेंट जो पाए जाते हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं, उनमें किस टाइप के एनीमिया होते हैं? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। आयरन, अब इसका हम पूरी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में देख लेते हैं, इसका वर्ड हम निकालते हैं, इसका मीनिंग इसके वर्ड से। आयरन आपका क्या है? फेरस है या फेरिक कह सकते हैं। डिफिशियंसी मतलब लैक। एनीमिया आपको पहले ही बता चुके हैं कि आरबीसी का काउंट लेस हो जाए, लेस अमाउंट में हो। तो अब आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स को आपको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। जो हीमोग्लोबिन का हीम है वो किससे बना होता है डियर स्टूडेंट्स? आयरन से। ठीक है, आयरन से बना होता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो हीम का फॉर्मेशन भी कम होगा। ठीक, अब हम इसकी पैथो फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं कि कैसे इसकी फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, आयरन कैसे आपकी बॉडी में जाता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है और कहाँ स्टोरेज होता है इसका। ठीक है, सपोज आप फूड इंटेक कर रहे हो, आयरन कंटेनिंग फूड है जिसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, उस फूड को आप इंटेक कर रहे हो, वो आपके स्टमक में गया, देन आपके ड्यूडिनम की जो एंट्रोसाइट सेल्स होती हैं, ड्यूडिनम में जो एंट्रोसाइट सेल्स होती हैं, वहां पे क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वहां पे क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन करता है? एंट्रोसाइट्स कहाँ होती है? ड्यूडिनम में। ओके, अब यहाँ पे इसका अगर सेक्शन देखा जाए तो ये आपके क्या है? ल्यूमेन है, सपोज ल्यूमेन है, और ये आयरन आपके इस ड्यूडिनम सेल्स को क्रॉस करते हुए देन आपके ब्लड में मिल जाएगी। ठीक है, ब्लड में आके ये जब ब्लड में आती है तो ट्रांसफेरिन इसे कैरी करके बोन मैरो के माइक्रोफेज सेल्स तक पहुंचा देता है। जब ये बोन मैरो के माइक्रोफेज सेल्स तक आयरन जाता है तो ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? होता तो बोन मैरो में, तब वहां से आरबीसी का प्रोडक्शन करता है ये। ठीक है, मतलब आरबीसी के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है, तब ये आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। ओके, इस ये स्टोरेज जो होता है वो आयरन का स्टोरेज होता है फेरिटिन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फेरिटिन फॉर्म में इसका स्टोरेज होता है। सेकेंड स्टोरेज इसका लीवर में भी होता है, लीवर में भी आपके आयरन का स्टोरेज होता है। देन जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करके आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है? किसी भी कारण से ब्लड लॉस हो रहा है, हैवी ब्लड लॉस हो रहा है,
देन क्या और क्या कॉजेज हो सकते हैं? अगर लेस अमाउंट में आप फूड आयरन कंटेनिंग फूड इनटेक कर रहे हो, आपकी डाइट में आयरन की प्रचुर मात्रा नहीं है, उसकी वजह से भी आयरन की कमी होगी। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक है। अगर इन्फेंट की बात करें, अगर जो इन्फेंट्स हैं, नवजात शिशु हैं, जिसमें आयरन की कमी पहले से है, तो उसे फुलफिल कराने में भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मदर के जो ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट के मिल्क में होता है, वो मिल्क में तो आयरन बहुत कम अमाउंट में होता है मिल्क में, ठीक है। तो जिसकी वजह से मदर के ब्रेस्ट का जो मिल्क होता है उसमें आयरन बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेंट को रिकवर आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक। अगर चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन में लेस अमाउंट में अगर आयरन है या आयरन की कमी है, तो उसे रैपिड ग्रोथ के लिए आयरन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए। अब एडल्ट की बात करें, इन फीमेल, फीमेल में लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयरफॉर डिक्रीज आयरन इन द बॉडी। जैसा कि जानते हैं कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उस दौरान क्या होता है कि आयरन की डिफिशियंसी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि जो फीटस होता है, मदर का फीटस होता है, उसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आयरन की बहुत जरूरत होती है। अगर मदर मदर में आयरन कम है तो फीटस में कैसे आयरन जा पाएगा? जो भी आयरन है वो फीटस में चला जाएगा, तो मदर को कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है। देन अगर एडरली की बात करें, तो एडरली में अगर कैंसर हो सकता, कैंसर होने के कारण ये भी क्या हो सकता है कि आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। नेक्स्ट है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम या ड्यूडेनम में जो प्रेजेंट सेल्स हैं एंटेरोसाइट्स, उसमें क्या हो सकते हैं कि किसी भी टाइप का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। डिस्ट्रक्शन की वजह से वहां पे आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, देन ये आपके ट्रांसफर नहीं होंगी कहाँ पे, बोन मैरो में नहीं होगी, तो फिर हीमोग्लोबिन कम अमाउंट में, आरबीसी कम अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होगा, ओके। नॉर्मल अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, तो जैसे कुछ कॉजेज हो सकते हैं। कॉजेज क्या है? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ब्लड लॉस हो रहा है, फिर देन इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर आप आयरन इनटेक कर रहे हो, या किसी अदर थिंग से ब्लड लॉस हो रहा है किसी इंजरी की वजह से, या दूसरी थर्ड कॉज इन प्रेगनेंसी, इन सब की वजह से जो आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, एक तो पहले से ही लेस आप इनटेक कर रहे हो आयरन रिच फूड, और ऊपर से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस भी हो रहा है। तो ऑल ओवर ये दोनों को मिला के कि जो आपके बची खुचे आयरन है, रिमेन जो बॉडी में आपके आयरन है, वो कहाँ अदर फंक्शंस में भी यूज हो रहे हैं, आयरन का और भी यूज होता है, ठीक है, तो बॉडी उसे यूज कर लेती है। इस तरह से क्या हो रहा है कि डिक्रीज आयरन नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। अब जो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए जितनी सफिशियंट अमाउंट में आयरन की जरूरत थी, नीड थी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ हीम, हीम की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम होगा, तो दैट कॉल्स आयरन डिफिशियंसी। इस तरह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है, ओके। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो पेल स्किन, आरबीसी की कमी से क्या होगा कि स्किन आपकी पेल नजर आएगी, येलोइश नजर आएगी, एक्सट्रीम फैटिक एंड वीकनेस, ठीक है। एक्सट्रीम फैटिक, काफी थकान और कमजोरी महसूस होगी, कैसे वो देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन कम अमाउंट में बन रहा है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, या आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की और ब्लड की नीड पड़ती है, वो होता है आपका ब्रेन। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हीमोग्लोबिन कम बन रही है, तो आपके जो ब्रेन में ब्लड जाना है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन भी कम होगा, तो उसकी वजह से जो लेस ऑक्सीजन एंड लेस हीमोग्लोबिन डिलीवर होगा कहाँ, आपके ब्रेन में, जिसकी वजह से आपको क्या, थकान और वीकनेस महसूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोस्टैटिक लाइट हेडनेस। ऑर्थोस्टैटिक, आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशन, ठीक है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है कि एक पोजिशन,
तो ऑर्थोस्टेटिक लाइट हेडनेस, इसे हम समझ लेते हैं, जब एनीमिक पेशेंट लेटा हुआ है, लाई डाउन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, उसके एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इक्वल अमाउंट में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ठीक है। अगर एनीमिक पेशेंट रेस्ट फॉर्म है, रेस्टिंग फॉर्म में लेटा हुआ है, तो क्या होगा कि उसके बॉडी में इक्वल अमाउंट में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो स्टैंड अप है, ठीक है, पेशेंट स्टैंड अप है, देन उस कंडीशन में क्या होगा कि ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड क्या होगा, नीचे की तरफ आपके ब्लड डाउनवर्ड सर्कुलेट होगा, डाउनवर्ड होगा, जहां के आपके ब्रेन में भी क्या होगी, ब्लड की कमी होगी, आपके हेड में लेस अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आर्थोस्टेटिक लाइट हेडनेस। ये नॉर्मल लोगों को नहीं होती है, लेकिन एनीमिक पेशेंट को होती है। देन इसके और क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन, फास्ट हार्ट बीट, ब्रिटल नेल्स, नेल्स का बहुत टाइट हो जाना, ब्रिटल हो जाना, सॉरी काफी कमजोर हो जाना, कोल्ड हैंड एंड फीट, ब्लड की कमी से हाथ पैर ठंडे हो जाने। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मे कॉज सीवियर डिस्पिनिया, डिस्पिनिया का मतलब होता है कि सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सीवियर डिस्पिनिया, ठीक है। सेंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है एकदम सेंटेड हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी चिल्ड्रन में। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आरबीसी नहीं, आयरन की कमी होगी तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा तो जो आरबीसी कंटेन करती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपके हार्ट में भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज भी हो सकती है, इस्केमिक हार्ट फेलियर हो सकता है, और एक कंडीशन आ सकती है ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आयरन की कमी है तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके।